देखें बिहार झारखंड के साथ देश की टॉप 5 खबरें। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वजहों से बढ़ रही कीमतों और महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को अहम फैसले में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क हटाए जाने के बाद राज्यों पर भी वैट कम करने का दबाव बढ़ेगा। रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए लालू परिवार को जमीन देने वालों पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। इन लोगों की नौकरी भी जा सकती है। सीबीआई कड़ियों को आपस में जोड़ने में जुटी हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक दिन पूर्व राबड़ी आवास सहित 16 स्थानों पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद जमीन देकर नौकरी पाने वालों की भी जमीन तो गई ही, अब रेलवे की नौकरी भी जाएगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बैठकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। दुबई से 8 मई को दिल्ली आए एक यात्री मोहम्मद तारिक अजीज ने नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद उसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त किशोर कुमार सर नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार की देर शाम राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के मछुआ टोली में छापेमारी कर 350 कार्टून शराब जब्त की। छापे की भनक लगने पर शराब माफिया संतू कुमार भाग निकला, जबकि मौके से उसकी पत्नी अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा, इस पर प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर हाल में रोक लगाए और अवैध खनन से जुड़े लोगों व माफिया पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य के सभी डीसी और एसपी के साथ शनिवार को वर्चुअल समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश दिए हैं। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।